हाय गाइस, स्वागत है आपका आरटीएस किचन में। जैसे कि फ्रेंड, बारिश का मौसम है, अचानक आपके घर मेहमान आ गए हैं और आप मार्केट से कुछ ला नहीं सकते, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ हल्का हेल्दी सा स्नैक्स पनोचे। इसे बनाने में हमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और आप इसे बच्चों के टिफिन में और शाम की बारिश की रिमझिम के समय चाय के साथ आप इसे खाएंगे तो इसका स्वाद ही निराला हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी बेसन, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 उबले हुए आलू, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 से 2 कद्दूकस की हुई कच्ची कैरी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में बेसन डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसका घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हमें लगभग ऐसा घोल तैयार करना है जो ना गाढ़ा हो और ना ही एकदम पतला हो। पहले थोड़ा पानी डालेंगे। जरूरत के अनुसार हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे कि ये ना ज्यादा गाढ़ा रहे और ना ही ज्यादा पतला रहे। देखिए, हमने इसका इस प्रकार से ये घोल तैयार कर लिया है। दोस्तों, अब हम आप इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी और उसके बाद एक कढ़ाई लूंगी। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। दोस्तों, अब हमारा ये तेल गरम तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा। अभी ये तेल में जीरा और राई चटकने लग गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का भूनना है। दो तीन मिनट बाद प्याज भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। पर अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए मैश किए हुए आलू और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई कैरी। अदरक आधा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच चाट मसाला और हम इसको डाल के अच्छे से डालेंगे। अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है और लास्ट में हम इसमें डालेंगे कटा हुआ
हरा धनिया, स्टफिंग तैयार है और अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी और उस पर नॉन स्टिक तवा रखूंगी। आप चाहे तो लोहे का तवा भी यूज कर सकते हैं। तवा गर्म होने पर मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। हमारा तवा गर्म हो गया है, अब हम इसमें बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से फैलाएंगे। एक तरफ से ये अच्छी तरह सिक जाने के बाद हम इसको पलट देंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह सेकने के बाद हम इसे पलट देंगे और अब हम इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसे अच्छे से फैलाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। फैलाने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब यह हमारा कुरकुरा, चटपटा, हल्का, हेल्दी सा स्नैक्स तैयार है। आप इसे हरी चटनी, सॉस या इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब ये हमारा पनोचा अच्छे से तैयार है और अब हम इसको टिश्यू पेपर पे उतार लेंगे। अब यह हमारे पनोचे तैयार है दोस्तों। हम इसको हरी चटनी, इमली की चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्लीज अगर आपको यह हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कैसी बनी। थैंक यू।